कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। आप उस आपको आप मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया, एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफाद आते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। अच्छा जनाब साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है। एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहां पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके खत्म कर देंगे और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ हमेशा, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका की पाबंदियों की चेतावनी के बावजूद भारत ने रूस से S-400 लेकर अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की धाक जमा दी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ रक्षा संबंध भले ही मजबूत हों, लेकिन वह रूस के साथ अपनी दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया में इस मुद्दे पर बड़े जोरों शोरों से बहस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने किसी की परवाह ना करते हुए जो भारत के लिए ठीक था उसने वही किया। भारत को S-400 की जरूरत थी तो उसने किसी भी देश की चेतावनी की परवाह नहीं की। अगले महीने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। S-400 पे मेरे तहफ्फुज़ात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी, लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इन टू द इंडियन कैंप, कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियन से की। लेकिन ये मेरे ख्याल में जो मुझे पूछे तो बैलेंस हमेशा देखें कि जिसको फॉरेन पॉलिसी को किस तरह कहते हैं कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप त्यारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप दो क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। आप उस आपको आप मैं हमेशा ये चीज समझता हूं कि अगर आप कोई नई चीज ना कर सकते हो तो आपको चाहिए चाहिए होता है कि किसी अच्छी चीज की कॉपी कर लें, लेकिन ये शायद ये नहीं हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पिछले आज की बात नहीं करूंगा मैं, ये आजकल का कंपैरिजन तो ये था, मैं बड़ा फैन हूं जावेद चौधरी साहब का, उन्होंने कंपेयर किया था कि आजकल लोग करप्शन और बेवकूफी को कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं कंपेयर करता हूं करप्शन बेवकूफी प्लस करप्शन। एक दो बातें जो इसमें हैं, जो पॉइंट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त आपने बात की। मसलन आपने ये कहा कि चलें अगर आपको आप कोई नई चीज नहीं तो आप कम से कम कॉपी ही किसी एक अच्छी चीज की कर सकते हैं, उसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपने बात की कि देखिए इंडिया S-400 ले रहा है, अमरीका का ये लॉ है, लेजिस्लेशन है, इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा, मुझे पता ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया, एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की और उसकी तरफ वो देख रहे हैं क्योंकि उनके मफाद आते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री अपने आप को वहां तक खुद लेकर आता है कि जहां पर वो दूसरों की जरूरत बने। तो हम तो किसी की भी जरूरत नहीं बन सके, यानी ये कि जब FATF का मामला आता है तो फटाफट हमें उसमें डाल दिया जाता है, कोई भी मामला होता है तो हमारे ऊपर जो है वो तलवार चल जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि हम कहीं पर नहीं पहुंच सके, हम ना ताल्लुकात अच्छे कर सके हैं हमारी हुकूमतें किसी से, ना हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर सके हैं कि हम इकोनॉमिकली उनके मोहताज ना रहें, तो वो देखते हैं कि ये तो हर तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या यही बात नहीं है? बिल्कुल। आप मेरी मेरी अपनी नाकस राय मेरी, मैं 35-36 साल से यहाँ और पाकिस्तान में कंप्लीटली
इन टच हूं, मेरे काफी दोस्त जो हैं, दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशनिंग इन पाकिस्तान, और मैंने हर डिपार्टमेंट को स्टडी किया और सबसे बड़ी ये खामी नजर आई है, नेशनलिज्म नहीं है हर बंदे की मेंटेलिटी। मैं ये नहीं कहूंगा कि खान साहब तो कहते थे ना कि मेरे लिए भी एक नया तजर्बा था कि मैं ट्रिकल डाउन होगी चीजें, ईमानदारी ट्रिकल डाउन होगी ऊपर से नीचे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो पहले ही आपको समझती है कि आप डबल गेम खेलते हैं हमारे साथ, हमेशा आपका एक हाथ हमारी तरफ होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो उसी तरह अगर आप चाइना की जो हमालिया जैसी दोस्ती है उसके सीपैक को दरमियान में खड़ा करके, दासू डैम का प्रोजेक्ट दरमियान में खड़ा करके, आप अगर आईएमएफ के कैंप में और अमेरिकन कैंप में आने के लिए इतने बेचैन हैं, तो फिर क्या होगा उस रीजन के अंदर? और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है, पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको वो पिछली सीटों पर बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी और वो इतनी स्ट्रांग है। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन डीसी में हो रही है वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का सीपैक और बीआरआई, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप आईएमएफ के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इशारा ये है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया है जिन्होंने आपसे आपने ओआईसी की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था, लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान हुए हैं। पिछले एक महीने में हमारे 3 फेडरल मिनिस्टर यहाँ पे आए, 3 साहब यहाँ से सीधे सऊदी अरेबिया गए थे, वहां से पैसे लेकर गए, और उन्होंने कल परसों भी बयान दिया है कि हमारी आईएमएफ की सेटलमेंट हो चुकी है, हमें बड़ी जल्द पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ ये सोचना बिल्कुल जरूरी होगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के इशारे के बगैर किसी के साथ नहीं चलते। अच्छा जनाब साहब, खबर ये है कि जी अमरीकी पाबंदियों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी कर ली है, और गुज़िश्ता साल रूस से एयर डिफेंस सिस्टम लेने पर आपको याद होगा अमरीका ने तुर्की पर भी पाबंदियां लगाई थी। अब आप क्या समझते हैं कि क्या भारत पर भी पाबंदी लगाएगा अमरीका? अपना यूरोपियन यूनियन है या वेस्टर्न वर्ल्ड है या इसराइल है, उनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमरीका के सप्लाई की वो काफ़ी इफेक्टिव है, और अभी जो रॉकेट्स फलस्तीनियों की तरफ से आते थे वो काफ़ी हद तक उन्होंने रोके हैं। आप अगर एक जहाज उड़ने के लिए आया है और आपका सैटेलाइट वहाँ पर मौजूद है, निशाना मार सकता है, तो आप उसको तबाह बर्बाद करके ख़त्म कर देंगे, और आपका ये इंटरनेट, आपका ये सारे का सारा एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो ये रशिया ने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है इस सारे मामले के अंदर। अब कंसेंसस हो गया हुआ है कि ये वेस्टर्न फोर्सेज हैं कि जो कि वेस्टर्न मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है,